press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीप प्रकाश और आप देख रहे हैं क्रिकेट फिल्टर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मुंबई इंडियंस और बेंगलोर के बीच चल रहे मैच में गलत इंपायरिंग के बारे में। अंपायर्स को क्रिकेट में भगवान का दर्जा प्राप्त है, अगर वही गलती करे तो मैच का क्या होगा। बेंगलोर और मुंबई के बीच चल रहे मैच में लास्ट बॉल पर जीत के लिए 7 रन चाहिए था। मलिंगा बॉलिंग कर रहे थे और स्ट्राइक पर शिवम दुबे थे। मलिंगा लास्ट बॉल यॉर्कर फेंकते हैं और दुबे 1 रन लेते हैं और आरसीबी मैच हार जाती है। पर तभी ग्राउंड पर लगे स्क्रीन पर पता चलता है कि ये बॉल 9 बॉल था। सभी भौचक्के रह जाते हैं। हो सकता था बेंगलोर ये मैच जीत जाती अगर आगे आईपीएल में 2 पॉइंट्स के कारण यही टीम आईपीएल से बाहर हो जाए तो क्या होगा। ये डिसीजन कहाँ तक सही था और कहाँ तक गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये और कोई नहीं इंडियन मुल्क के एम्पायर एस रवि थे। सभी हैरान परेशान हो गए हैं इस डिसीजन से। और इसी मैच में अंपायर ने बुमराह के एक सही बॉल को वाइट करार दे दिया था। अगर ऐसा हाल इंटरनेशनल एम्पायर्स का रहेगा तो कैसे चलेगा। आजकल तो एम्पायर 9 बॉल्स पे ध्यान ही नहीं देते। अगर आप मैच देखते होंगे तो आपने देखा ही होगा किस तरह एम्पायर बल्लेबाज के आउट होने के बाद 9 बॉल चेक करते हैं। ये चीजें गलत है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको 9 बॉल देखना ही होगा। इसके खिलाफ क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को एक्शन लेना ही होगा। अगर ऐसा लोकल मैच में होता तो चलता, पर आईपीएल का एक अलग महत्व है। गलत डिसीजन के कारण विराट कोहली काफी गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा ये क्लब मैच नहीं हो रहा है, ये आईपीएल चल रहा है और आईपीएल का एक अलग लेवल है। उन्होंने कहा ये क्लब मैच नहीं चल रहा है, ऐसी एम्पायरिंग आप आईपीएल में नहीं कर सकते। रोहित भी काफी नाराज दिखे। हो भी क्यों ना, एम्पायरिंग ऐसी होगी तो कप्तान नाराज दिखेंगे ही। कमेंट्री बॉक्स में बैठे इरफान पठान और गौतम गंभीर भी काफी आश्चर्य थे। सभी बोल रहे थे एम्पायर को अपनी बेसिक चीजें ठीक करनी होगी। आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।